ये रहा गाइस जोहान का डायमंड। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नुकजुक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइज फाइनली आप सभी को ईद मुबारक। गाइज हम लोग जा रहे हैं अभी जस्ट नमाज पढ़ने के लिए और मैं सीधा गाइज मेरे बेडरूम से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि अभी इंटीरियर हुआ नहीं, इंटीरियर होगा गाइज इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो गाइज मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि मैं कहाँ नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। और गाइज हमारा जो कुर्ता है मेरा, निदा का, जोहान का, वो तीनों का सेम होने वाला है, तो वो भी पहनूंगा गाइज मैं। तो अभी बच चुके हैं 6:10 कम, फटाक से नहाते हैं, चलते हैं फजर की नमाज पढ़ने। और गाइज फिर हम लोग ढूंढने जाएंगे जगह मीनारा मस्जिद में, क्योंकि आज हम लोग डिसाइड की मीनारा मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। वहाँ पे जगह मिलना थोड़ी मुश्किल है, इसके थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है। तो गाइस चलते हैं वहाँ भी जगह ढूंढते हैं। और यहाँ पर मम्मी हमेशा की तरह चाय बनाते हैं। मैं शिरकुमा नहीं बनाए, थोड़ा लेट बनाओगे, चलो सही है। वैसे भी सुबह सुबह कौन ही शिरकुमा पिएगा, नमाज पढ़ के आते शुरू एक घंटा तो बन, एक आधे घंटे बन जाता ना, मम्मी आ रहा तो शिरकुमा फटाफट बन जाता। जैसे ही हम लोग नमाज पढ़ जाएंगे वैसे गाइस मम्मी शिरकुमा रेडी रखेंगे। तो फटाफट नहाते और मिलते आप लोग को नए कुर्तों में। फाइनली मैं हो चुका हूँ रेडी और माशाल्लाह कुर्ता बहुत ज्यादा अच्छा लगा मेरे ऊपर। मम्मी अच्छा लग रहा है कुर्ता, अच्छी बात है। अभी तक दिखा, थोड़ा थोड़ा रुक के दिखाता ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। गाइस बस थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको मैं दिखाता हूँ। पहले मैं चाय पी लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये बात भी सही है, डर लग रहा है गाइस नजर नहीं लग जाए। गाइस ये रहा मेरा इंतजाम कुर्ते का। तो गाइस बहुत ही बुरा हादसा हो गया मेरे साथ में। मम्मी ने मेरे को बोले कि टॉवल रख के खा तू और तेरा चाय नहीं गिरेगी। तो चाय रखने के चक्कर में मम्मी क्या हुआ मेरे कपड़े के साथ, तो कपड़ा ही ऐसा है वो। गाइस पूरी इस्त्री खराब हो गई मेरे कपड़े की, मैं आप लोगों को फुल लुक दिखाता हूँ मेरा अभी। फाइनली ये रहा मेरा कुर्ते का लुक। गाइस माशाल्लाह कुर्ता बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बस मटेरियल थोड़ा क्रीज फ्री नहीं है गाइस, थोड़ा सी है ना चुनमुन आ जा रही, बट कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे इसको हम लोग। तो देख लो गाइस, आप लोग देख सकते हो निदा का भी ऐसा ही रहने वाला है, जोहान का भी ऐसे रहने वाला है, ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला है। आप लोग देखोगे ना गाइस लाइव जब हम लोग तीनों पहनेंगे गाइस मजा आ जाएगी, लव यू गाइस, मजा आ जाएगी। और गाइस कैसा लग रहा है अब्बा कुर्ता, देखे देखे तुमको भी बोला अच्छा था कुर्ता सिलवा था तुम्हें ना, नहीं सिलवाया तो ये कुर्ता भी नहीं पहने। देखो ना ये कुर्ता क्या होता है तुमको, लेकिन कुर्ते से मेरे को समझ नहीं आता है, कोई बात नहीं है। देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, जैसे कि अभी सबका अलग अलग है, कोई बात नहीं, चलते हैं नमाज पढ़ने फटाफट और फिर आपको मिलते हैं मस्जिद के पास। सो गाइस मजा आ गया, अच्छा लग रहा है, चलो चलो फटाफट चलते हैं नमाज पढ़ने, बार बार नजर नहीं लगे, फट फूटा नहीं जाइए। तो गाइस यहाँ पे नमाज का इंतजाम चालू होने वाला है, बस अलग अलग जमातों के लिए कितनी मगजमारी है, लाइन लगा के पहले मदर अपने को मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगी, मिल जाएगी। पक्का लाइन तो देगी यहाँ पर आगे बिना मस्जिद, तो बिना मस्जिद में बहुत पब्लिक रहेगी मेरे को लग रहा है, इंशाल्लाह मिल जाएगा इस जगह। तो गाइस अनफॉर्चुनेटली जिसका डर था वही हुआ, हमें कहीं भी जगह नहीं मिल रही है। मे भी हो सकता है कि हम लोग को 6 बजे आना चाहिए था, हम लोग थोड़ा लेट हो गए। मदर क्या करेंगे, क्या करेंगे, जमात खाने में जाएंगे, जमात खाने में नमाज पढ़ेगा। गाइस माशाल्लाह से हम लोगों की ईद की नमाज मुकम्मल हो चुकी है, गाइस माशाल्लाह ईद की रौनक देख रहे हो आप लोग, क्राउड ही क्राउड है यहाँ पर, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइस मदर और मैं ईद मिल चुके थे बट यहाँ पे हम लोग नहीं मिले, तो मदर भाई ईद मुबारक, ईद मुबारक माशाल्लाह, बहुत खुशी होती है। तो गाइस मुझे बहुत कौन सा देता है ना, इसकी आदत है, इसने मेरे को बताया अभी कि जब भी किसी से ईद मिल जाता है उसके जेब में हाथ चले जाते हैं, ईद के दिन ही जाता है, आधे दिन पे नहीं जाता, ऐसा हाथ मिला ईद मुबारक, ईद मुबारक। सो गाइस अब्बा हम लोग को नीचे ही मिल गए, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह ईद मुबारक। पढ़ लिए नमाज, यही पे पढ़ लिए, बाद में पढ़ लिए, अरे हम लोग तो पैसा पैसा जमात खाने के अंदर गए थे नमाज पढ़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, अम्मी क्या पहने हो तुमने, मस्त लग रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी ईद है अम्मी, माशाल्लाह ईद मुबारक, ईद मुबारक, अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर भी यार ये, चल अच्छा माशा, नौशीन भी आई है। सो गाइस फाइनली शिरकुम आ चुका है मम्मी के हाथ का, माशाल्लाह हर साल की तरह वैसा ही टेस्ट है मम्मी के पसीने में, वैसा ही नहीं नहीं सही बात है, माँ के पसीने में बात अलग होती है, बरकत है बरकत है, नहीं नहीं जब माँ का पैर धोके इंसान पी सकता है तो माँ का पसीना तो चाट ही सकता है। नहीं अच्छा है माशाल्लाह बहुत अच्छा है मम्मी, हर बार की तरह वेल डन, टेस्ट में जरा भी चेंज नहीं है, गटागट पी जाओ अभी, कपड़े पे गिराना मत, देखो देखो गिराए कपड़े पे, नजर लग गए अब्बा, बोलो लो काला पहने
वो लोग काला पहनने के बाद भी नजर लग रही, क्या मतलब धागा बांधने का फिर फिर देखो ना। फाइनली मैं उठ चुका हूँ सो के, बहुत ज्यादा सो लिया मैं, आंखें भी खुल रही थी तो अच्छा निदा का मेरे को फोन आया कि चलो उठो बोले, तो मैं उठ गया हूँ। और गाइस मैं आ चुका हूँ निदा के घर पे, अब यहाँ पे उनका रिएक्शन लेते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ और निदा कैसी लग, निदा रेडी हुई नहीं शायद अभी तक। लेट्स होप, लेट्स सी कौन आता है दरवाजे पे, अच्छा लगे सबको। आप लोग भी गाइस कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा, कौन है कौन है। ओ हो, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक बेटा, ईद मुबारक, ईद मुबारक, क्या बात है बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो गाइस सर रेडी हो गए सर, अरे बेटा ईद मुबारक, अरे क्या बात है बेटा, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ईद मुबारक आंटी, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक गाइस, ईद मुबारक फायदा, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाँ बेटा मिल लिए, मिल लिए बेटा, अभी आगे मौका दे लोगों को मिलने का। अरे बस बेटा बस, अरे नागमणि लेके ही मानेगा क्या, अरे बस बस बस, ईद मुबारक अनम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, कैसे ईद मुबारक, कैसा लग रहा है, एक नंबर मार्केट, अच्छा लग रहा कुर्ता, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा, थैंक यू थैंक यू, अच्छा लग रहा है, तुम्हारा भी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। हाँ बेटा ईद मुबारक, कैसा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है ना। निदा का, निदा अंदर है, निदा अंदर, चलो निदा को देखते हैं, निदा क्या कर रही है गाइस, निदा रुक जाओ, क्या हुआ, रुक जाओ बाहर जाओ, रेडी हो गए, पहले तुमको मैं देखूंगी, अरे ये क्या मुंह दिखाई के रस्म चालू है क्या, दिखाओ मेरे को पहले तुम किधर हो, ये रहा इधर, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो यार, एक नंबर लग रहे हो, बताओ बताओ बताओ। Only from modesty by Nida Khan's, you know? Yes, only from modesty by Nida Khan. Yes. Guys, देख रहे हो हम लोग की choice, माशाल्लाह बहुत। फोटो देखो, देखना तुमको और दुआन को यार। Ta-da! कैसा लग रहा हूँ, खतरनाक दिख रहा है एकदम, अपन दोनों तो ऐसा लग रहा है कि अपन दोनों ही पूरे ईद में चमक रहे हैं, इस बार ईद में दो ही चीजें फेमस हो क्या, एक तेरे भाई का कुर्ता और तेरी भाभी का बुरखा। हाँ मैं बुरखा ही पहनती हूँ, मतलब बुरखा नहीं है, सुना पाया रोम पर, बताओ जुबान का, जुबान बताओ, जुबान बताओ, पहले मेरे को देख लो अच्छे से एकदम नजर भर के, चलो अभी तुम इधर आ जाओ मुझे दिखा दो, तरफ से ईद मुबारक माशाल्लाह गाइस, देख लो कैसा लग रहा है, क्या कुछ भूल गाइस, ये लड़की लोग का ऐसी रहता, कुछ ना कुछ ना कुछ भूल जाएगी, कुछ पहन के आएगी, मेरे को लग रहा है क्या पहन के, ओ ये भूल गए थे, सैंडल्स एंड बताओ तुम्हारी एम्ब्रॉयडरी बताओ, हील्स भी लास्ट ईयर की मालूम है नीता, हील्स लास्ट ईयर की नहीं, हील्स बर्थडे की, क्योंकि मुझे इन्वेस्ट नहीं करना था इस सब चीजों में, अभी फिलहाल मैं माँ हूँ तो मुझे ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, बताओ जरा, बताओ जरा, अस्थिर अस्थिर बताओ, आगे आओ जल्दी लेकर आओ, तुम बाहर जाओ, हाँ ठीक है, यहाँ पर रेडी है, खोलो ये देख रहे हो आप लोग, यस खोलो, तुम्हारे जैसा सेम पहना जोहान, माशाल्लाह रिदा कितना प्यारा दिख रहा है, डड्डू डड्डू को देख लिए, सेम सेम बताओ जोहान, माशाल्लाह माशाल्लाह बेबी मून, नजर उतारो इसकी फटाक से, खतरनाक भी लग जाएगी नीचे अभी, गाइस बहुत प्यारा दिख रहा है माशाल्लाह, जुबान में आप लोग इसकी एम्ब्रॉयडरी दिखाते हैं, इसके ऊपर भी कैसा लग रहा है पलटा के, सो गाइस दोनों बाप बेटे को देखो कितने क्यूट लग रहे हैं साथ में माशाल्लाह, कौन है जोहान, कितना माशाल्लाह प्यारा दिख रहा है, और उसका रोम पर तो दिखाओ कैसा है, देखो रोम पर, रोम पर, ओनली फ्रॉम मॉडेस्टी बनी दाइड लग रहा है, बैक तीनों का लेते, सो गाइस अभी फाइनली बारी है जुहान और निदा को सबसे रूबरू कराने की, और सबका रिएक्शन देखते हैं कि सुन लोगों का रिएक्शन क्या होता है माशाल्लाह, गाइस हम लोग आ रहे हैं, टन 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 टन, एक सेकंड, फिर से फ्रंट पोज लेंगे, फ्रंट पोज, ऐसा
यस ईद मुबारक ईद मुबारक। ये तो अब भी आए बाहर ना शानी है, सब किसी को दिखाए नहीं इसने कि क्या है। ईद मुबारक। चलो कल रात को अंदर पे अंदर गई थी जब से भी आई। हां वेरी गुड वेरी गुड। दिस इज फॉर सुहान। सुहान की ईद है ये गाइस। सुहान की ईद। ईद मुबारक। अल्लाह सलामत रखे हर खुशी से। ईद मुबारक अंकल। दुआ बता रहे हैं बुड्ढा फील करा दी। देखे सही रंग का। फिर से अंकल लड़ाई दिए लास्ट टाइम की तरह। अरे हील पहनी है इसने तो, इसके लिए लंबी दिख रही है। अरे हील पहन के भी अंकल की हाइट पे नहीं आ रही है तो। नहीं 3.5 ये डेढ़ फुट ही है। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। मेरे को हील्स पहन लेना चाहिए। बच्चे लोग से लेना मजा आती है। चलो माशाल्लाह। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने सबसे मिल लिए और सबका गाइस मिलन मतलब सबका रिएक्शन भी ले लिए और अब बारी गाइस हमारे फोटो शूट की जो कि हमारे इंस्टाग्राम पे अपलोड हो चुका होगा गाइस अभी तक का। तो गाइस चलो फोटो शूट करते हैं यहाँ पर। बुला लो फातिमा को बाहर। बुला लो। चलो सो गाइस स्टार्ट करते हैं। फिर जोहान दिखाता हूँ। सो गाइस फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं फोटो शूट के लिए और आप लोग देख सकते हो मैंने सर पे कैफिया बांधा हूँ गाइस, जिसे पता नहीं क्या बोलते, कैफिया बोलते हैं या कैफी बोलते हैं, आई डोंट नो। और गाइस सेम टू सेम ये जोहान ने भी बांधा है गाइस माशाल्लाह। तीनों ने फोटो शूट किए है, वीडियोस बनाए हैं, आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। और अब मैं गाइस आपको दिखाने वाला हूँ जोहान को। और गाइस ये रहा माशाल्लाह, हंस भी रहा है देखो, इसको पता चल गया वीडियो चालू गाइस। देख लो जोहान का फुल आउटफिट है ये और निदा से कैसा मैच कर रहा है माशाल्लाह। Yes. ये दोनों को ये क्या बोलते हैं इसको, कैफी या समथिंग कुछ बोलते हैं इसको। ये मैंने मान लिया। Yes, obviously. और गाइस ये रहे हम तीनों गाइस फैमिली फोटो। दिखाओ जरा जोहान को। गाइस बहुत गुस्सा है कसम से, उसने बहुत सबर किया है, इतनी फोटो लिया हम लोगों ने, उसको परेशान किया फोटो ले लेंगे। सब सो गए क्या? अरे सब सो गए। ओह माय गॉड। सो गाइस फाइनली हम लोगों का शूट हो चुका है और गाइस हमारा शूट ये है। किसने गाइस? फातिमा द फोटोग्राफर, SN फोटोग्राफी है गाइस। आप लोगों को तो पता ही हम लोग हर बार इनसे शूट करवाते हैं, बस खाली प्रोडक्ट शूट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा मसला है गाइस, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह। फातिमा कैसा लगा आपको हमारा शूट करके, है ना? ऐसा हम लोग ईद मुबारक फातिमा को भी, ईद मुबारक माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फातिमा फॉर कमिंग। ठीक है गाइस आप लोग जाके इनसे ऑर्डर कर सकते हो फोटो शूट के लिए डेट्स। ईद मुबारक बच्चे लोग, आंगे ईद मुबारक, ईद मुबारक, आंगे दूसरे बच्चे लोग ईद मुबारक। अगले साल ईदी मिलेगी बेटा, कंफर्म अगले साल मिलेगी। हाँ अगले साल ईदी मिलेगी तुम लोग को, तब तक तुम लोग बड़े हो जाओगे, ईद यूज करने लायक हो जाओगे। हाँ कन्फर्म कन्फर्म। समय पहुँच चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। ईद मुबारक। अच्छा लग रहा है ना ड्रेस? वो छोड़ो इधर देखो, क्यूट लग रहा है ना माशाल्लाह। रॉम्पर है। एक बेटा ऐसे लग रहे मुबारक। वो छोड़ इधर देख, दिखाओ मम्मी इसको। अच्छा लग रहा है। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई। ईद मुबारक। अरे आना नीचे, आना कर रहा है, पठान के सामने डर गया क्या? तुम लोग भी मैच देखा, तुम लोग रीला मैंने आइडल को नहीं देखा, आइडल ने इनको खराब कर दिया। आइडल नहीं मैंने, ड्रेस खराब कर दिया, उल्टी किया, इसे टॉयलेट कर दी, वाइट पे पीला सुखा दी होके।
सो गाइस मैंने तो कपड़ा उतार दिया हूँ क्योंकि मेरे कपड़े में गाइस खाना गिर रहा था बार बार। मुझे चाय भी पीनी है तो चाय भी गिर सकती है, खाना भी खाना था खाना भी गिर सकता है, उसके लिए बेटर मैंने चेंज कर दिए। और गाइस ईद के दिन भी आप लोग हालत देख सकते हो कि हमारी कैसी है। यहाँ पे नौशीन अपनी बच्ची को सुला रही है, वहाँ पर मम्मी हमारे बच्चे को सुला रहे और निदा वहाँ पे एडिटिंग कर रही है। गाइस एडिटिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि रील पे हमें वीडियो डालना है और फोटो भी डालना है क्योंकि ऑलरेडी गाइस 9 बज चुके हैं। इससे ज्यादा लेट हुआ ना गाइस तो फिर वीडियो पे और फोटो पे एंगेजमेंट नहीं आएगी। जल्दी जल्दी सो जाए तो हम लोग भी चाय नाश्ता करें, थोड़ा बात कर सके आपस में। ठीक है चाय आ चुकी मेरी यहाँ पर। गाइस निदा ने फोटो डाल दी। माशाल्लाह 1 मोर माशाल्लाह माशाल्लाह अरे माशाल्लाह अरे माँ निदा मस्त एडिटिंग हो गई यार। क्या हो गया, डिलीट हो गई? कौन सी? हाँ डिलीट मारो फिर से डाल दो अभी तक नहीं वायरल हुई रहेगी। अरे वाह माशाल्लाह आइजल कितनी प्यारी लग रही है। वाह आइजल कितनी अच्छी लग रही है। नहीं आएगी वो आइजल, हंसो जल्दी। ईद मुबारक। कैसे आरती? नटा पटा गाइस आरती का बैठा मैं नटा पटा नहीं, मैं टटा टटा हूँ फिलहाल। कपड़ा नहीं पहना हूँ मैंने, खाली नॉर्मल बैठा पहले पहना था। सही बात है माशाल्लाह। निदान ईद मुबारक कर दी हूँ। यस गाइस ये व्लॉग के लिए सेकंड टाइम है। यस वेरी नाइस माशाल्लाह प्रिटी एज ऑलवेज। करना पड़ता है अपने ब्रांड का। ड्रेस को बोला मैंने, सही बोली, सही पकड़े है। तो गाइस यहाँ पर आरती मेरी कंप्लेंट कर रही है। मम्मी से आरती क्या बोल रहे हो बताओ? मैं आंटी को पूछी कि आंटी आपने क्या खा के सुकैन भाई को पैदा किया है। मैं बोली उनका आर्गुमेंट हारना ही नहीं होता है। लास्ट सेंटेंस तुम लोग सब झूठे, खाली हम लोग सच्चे कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आओ भाई इसका चांद दो भाई तुम भी यार कसम से। अरे अच्छा अच्छा गुजरात मिल रहे हैं ऐसी करना है। हाँ चलो किधर हो भाई किधर हो? अबे साले अंगूठी मार दिया तुमने मेरी उंगली बत्ती जोर से। ईद मुबारक। ईद मुबारक तुमको ईदी देना चाहिए भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह अत्तर अत्तर लगा के यार अरसलान पूरा फुल महका रहा है पूरा। जोहान से ईद मिल लो। गाइस हम लोग जबरदस्ती सबको फोटो दिखवा रहे हैं हमारी। इंस्टाग्राम खोलो जल्दी। आरती ने देख के लाइक कमेंट भी कर दिया। देखे पूरी देखो स्वाइप करो। हाँ हाँ बैठो स्वाइप करो। व्हाट्सएप की डीपी में बहुत स्मार्ट लग रहे। खुदा हाफिज। देखो ना अरे बांधो यार इनको बोलो मैं तो बैठा हूँ। भाई जल्दी बांधो मेरा बच्चा बेचारा पीछे रोने लेने लग जावे फिर तो। गाइस यहाँ पे पता नहीं क्या तुम आगे से देखो। अरे मैं तो ऐसे ही बांध रहा था मेरा। ऐसे बांध रहे थे ऐसा। मैं समझ गई मैं बांधू मैं समझ गई हूँ। तुम एकदम सही कर रहे थे खाली तुम्हें ना मुंह के ऊपर। हाँ ये वेरी नाइस वाला हबीबे कम टू दुबई इंडिया। देखो जगह डाकू आए करे। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। जोहान गाइस फर्स्ट टाइम आया है बिल्किस अंडी से मिलने। कैसा मिलूं तेरे से? हेलो जोहान को बिल्किस अंडी को मैं ये था। हेलो मुबारक। ईद मुबारक।
ईद मुबारक, ईद मुबारक, मेरा भी ईद मुबारक, मेरा भी ईद मुबारक। बिल्किस आंटी, बिल्किस आंटी हर साल 50 रुपए दे देती है, 200 रुपए, 200 रुपए। इस बार किधर है? हाँ है ना, सना के पास है। हाँ सना, मेरे फटा फट। ओह जोहान की दी, जोहान के बाप को चाहिए। पहली ही देना जोहान की। नहीं हम लोग को नहीं चाहिए, तुम रखो। अरे लेना रे, खुशी से देवे तो ले लेंगे। रखो तुम, हम लोग ये ना जोहान का आ गया ना इसमें। 100 रुपया दे दो, 100 रुपया खाली। 100 रुपया दे दो, दुआ दुआ। एक टाइम नहीं पाते, जेब में डाल लिया। इधर आगे हाथ बढ़ाओ। नहीं नहीं, 200 रुपए इधर आगे हाथ दे। 100 निधा को, 100 मेरे को। हाँ हाथ दो, दे दो। हाँ अपन दोनों को साथ में। ईद मुबारक, हम लोग आ चुके हैं फाइनली हर साल के जैसा, मतलब लास्ट ईयर भी आए थे, ये ईयर भी आए दादा दादी से मिलने के लिए। तो दादी से हम लोग मिले, अली खुरासान जाता हूँ ना कभी कभी, तो अली असगर के डैडी हो ना, दादा हो ना, निदा सुफियान वो मेरी पोती है, जैद बोला जैद बोला लड़का। तो हम लोग दादी से ऑलरेडी मिल चुके हैं, बट दादी कैमरे में नहीं आते। आमीन आमीन, खुश रहते हमेशा। खुश रहता तो तुम लोग भी खुश रहते। आमीन आमीन आमीन, थैंक यू। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं निदा के घर पे फिर से गाइस, और यहाँ पे अब बारी है ईद मिलने की गाइस, ठीक है। तो तनवीर भाई ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक। माशाल्लाह, अरे पप्पी दादी अपने भी ईद मुबारक, ईद मुबारक। बस बस, लेकिन एक चीज है जो हम लोग आप लोग को आपको देना भूल गए थे, ठीक है। तो ये रही रुखसार दीदी की ईद मुबारक। ईदी नहीं आ पाए थे, ऐसा हो रहा था कि हम लोग वहाँ नहीं जा पा रहे थे। सही बात है, मिसिंग है जो कि सुफियान ने ब्लेम कर दिया। वो तुम्हारा हैम्पर हम लोगों ने कार्ड बनाए थे, पर्सनलाइज कार्ड था, बट घूम गया मेरे से, चले मैं फेंक दिया गलती से मैंने, कोई बात नहीं। सबका हो गया तो लंबी क्यों लग रही है, हील्स है नहीं पता था। बट उषा दीदी को हम लोग आज तकलीफ नहीं देंगे पहनने की, आज ईद आज एंजॉय करो, पहनाना पड़ेगा। यस हाँ, वो सबका टैग लगा, मिसप्लेस नहीं हो जाए, सब कलर इसके लिए। फाइनली अब बारी है आखिरी गाइस, जो बारी है वो है जोहान का, जो डायमंड है वो हम लोगों ने आप लोगों को प्रॉपर नहीं दिखाया था, और जोहान को हम लोगों ने पिनाए भी नहीं गए, जिसकी जिसकी जो ईदी है उसको वो मिलना तो चाहिए ना गाइस। तो फाइनली ये रहा गाइस जोहान का डायमंड, माशाल्लाह। चलो जोहान गले में डाल दो फिर, अभी जोहान थोड़ा सा चिड़चिड़ हो गया है सुबह सुबह से, देख लेंगे ना। तो गाइस जोहान का खाना पीना हो चुका है, अब हम उसे पिनाएंगे, क्योंकि मैं सुबह से तड़प रही हूँ मेरे बच्चे को ये पिनाने के लिए। कब से मेरे को बोल रही थी पिनाओ पिनाओ मम्मा, मैं चिड़चिड़ राजा। So guys, जोहान ने पहन चुका है उसका पहला डायमंड, जो कि ये रहा, माशाल्लाह। मुबारक हो जोहान, मुबारक हो, तुमको डायमंड हुआ है। बहुत प्यारा लग रहा है, थैंक यू बोलो बेटा। नहीं बोला वापस ले, मेरा ऐसा था कि आइजल को भी, आइजल को भी पहला हम लोग ने दिए थे, तो मेरे पास था जोहान का भी पहला डायमंड हम लोग ही देंगे, दूसरे को भी देंगे। हाँ, पहला डायमंड सबके पहले को देंगे, किसी को ट्वेल्व है। सो अब आ रही है जोहान की ईदी, ओनली एंड वन एंड ओनली फ्रॉम नाना एंड नानी, प्लीज नाना आ गया, ये पीछे खड़े नाना। जोहान के लिए मैं ईदी नहीं लाई हूँ बेटा, ये तेरी ईदी है और ये निदा तेरी ईदी। तो हम जोहान की क्यों लाए, नहीं लाई, बस क्या करूँ बेटा, जोहान के लिए खाली छोटी सी गाड़ी गोल्डन रिंग, पहला गोल्ड भी आ गया गाइस, चांदी भी मिली, आज सोहन को गोल्ड भी मिला, आज सोना चांदी होगा, डायमंड भी मिला, मिला आज पूरा सोनार बन के घूमेगा मेरा बेटा। कार्ड बहुत क्यूट
ये सब जैद भाई की आइडिया थी इसको मालूम है जिंदगी में मेरा बाप को भी आइडिया लगा ऐसी बड़ा हो तो खोल के देखिए दानी ने कार में क्या दिया जोहान को रिंग पहना दिया नहीं नहीं ढीली है ढीली है बट अभी दो साल जाएगा और एक साल मुबारक हो मम्मा वाह बहुत अच्छा थैंक यू अरे उसके लिए करेंगे तो किसके लिए करेंगे अरे तो जो जो ईदी देनी है आ जाइए लाइन में लग जाइए मेरी लाइन चाहिए दीदी निकालो जल्दी क्या करें अल्लाह का शुक्र है तुमने कवर तो दिए दिमाग खराब कर अच्छा है हर बार मैं भी सस्ते में निपट जाऊंगा सस्ता नहीं है लेकिन इसकी बात नहीं है मम्मी यहीं पे रखना आएगा तो यहाँ पे खेलेगा और क्या नाइस माशाल्लाह बहुत अच्छा थैंक यू सो मच नानी बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे बारे में नहीं सोचा सो गाइस फाइनली अब वक्त आ गया है व्लॉग को यहीं पर एंड करने का गाइस रुखसार दीदी को हम लोग पिना के नहीं दिखा पाए क्योंकि गाइस सब लोग सो गए थे थके और हम लोग भी सो गए थे वो तो अब जुहान उठा तो हमें उठा दिया उसने तो हम लोग गाइस अभी उठ के व्लॉग एंड कर रहे तो थैंक यू वॉचिंग दिस व्लॉग और आपके व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस लव यू अल्लाह हाफिज एंड गाइस वंस अगेन ईद मुबारक।